आज 5 बजे उठी हूँ। बाहर बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। आज संडे है और मुझे ऑफिस नहीं जाना है, तो आज करने के लिए बहुत कुछ है। वर्किंग डेज में तो सब बहुत जल्दी करना होता है, भागम भाग मची रहती है। तो आज मैं सोच रही हूँ सुबह के 2 से 3 घंटे का समय मैं खुद को दूँ। अभी बेड में सब बिखरा पड़ा है, तो सबसे पहले तो मैं बेड बनाऊंगी जिससे ये रूम अच्छा दिखे। मेरे सोसाइटी में पपी रखने की परमिशन नहीं है, तो मैं ये पपी अपने पास रखती हूँ। इसका नाम बेला है और ये अभी बेड में रेस्ट करेगी। बेड बनाने के बाद मैं गर्म पानी पीऊँगी। गर्म पानी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी गर्म पानी पीने के लिए। आज संडे है और योगा क्लास जाना नहीं है, तो मैं घर में ही कुछ देर से योगा करूँगी। योगा करना मैंने 2 मंथ पहले स्टार्ट किया, बेसिकली फॉर मेंटल पीस एंड पॉजिटिविटी। योगा करना मुझे पसंद भी है और मुझे लगता है कि योगा से मेरे हीलिंग लॉस में मुझे बहुत रिलीफ मिलेगा और इसका बेनिफिट मुझे 1 मंथ बाद से ही फील होने लगा। आप जब कुछ अच्छा करते हैं तो अंदर से पॉजिटिविटी एनर्जी आती ही है। योगा से मुझे मेरे एंगर इश्यू और एंजाइटी इश्यू में भी राहत मिली है। अभी मैंने योगा कर लिया है और बाहर का नज़ारा भी बहुत अच्छा है और आज हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। मेरा बाहर जाने का मन हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि पार्क चली जाती हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ पार्क निकल गई हूँ। पार्क में सभी अलग अलग तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई वॉक कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, तो कोई प्राणायाम कर रहा है। बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। हम दोनों यहाँ पर 8 बजे तक रुके और फिर घर वापस आ गए। मेरे सोसाइटी में जो गार्डन है उसमें येलो कलर के बहुत सुंदर फूल लगे हैं जिन्हें मैं छूने की कोशिश कर रही थी, बट थक हार कर घर वापस आ गई। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।